आज तारीख हो चुकी है 13 जुलाई। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें, 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती होती है हार्दिक पांड्या की तरफ से। दरअसल आईपीएल शुरू होने से पहले और इंडिया श्रीलंका की सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया के फैंस और एमआई के फैंस के लिए अब बड़ी कुछ खबरें निकल कर आई है। लगभग 1.5 से 2 साल बाद हमें हार्दिक पांड्या दोबारा गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। कुल मिलाकर अब हार्दिक पांड्या ने कंफर्म कर दिया कि जो इंडिया श्रीलंका की सीरीज होगी, इस सीरीज में ये प्योर ऑलराउंडर खेलेंगे। कुल मिलाकर ये अपने पूरे 10 ओवर गेंदबाजी करेंगे, इसके साथ ही फिनिशर के रूप में बल्लेबाजी करेंगे। इससे यहाँ पर टीम इंडिया में T20 वर्ल्ड कप से पहले एक बैलेंस आ जाएगा, और एमआई की टीम भी जब दुबई में आईपीएल का पार्ट 2 खेलेगी तो एमआई की टीम में भी यहाँ पर एक बैलेंस आ जाएगा। हालांकि एमआई की टीम के पास काफी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड होने के कारण और हार्दिक पांड्या के अब दोबारा से गेंदबाजी करने के कारण अब हो सकता है कि ये टीम लगातार तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीत जाए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर एमआई की टीम दुबई में जाकर तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीत पाएगी या फिर नहीं। आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम आईपीएल की चैंपियन बनेगी, आप कमेंट जरूर करें। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, तो जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। दरअसल राजस्थान रॉयल्स की टीम ने और इस टीम के ओनर्स ने एमएस धोनी को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। इन्होंने बताया है कि अगर एमएस धोनी मेगा ऑक्शन का भाग बनते हैं तो ये एमएस धोनी को 17 करोड़ रुपए तक देकर ऑक्शन में परचेस करना चाहते हैं। और इनका मानना है कि अगर एमएस धोनी को राजस्थान रॉयल्स की टीम परचेस कर लेगी तो राजस्थान रॉयल्स की टीम एमएस धोनी को लगभग 3 साल और कंटिन्यू रखेगी। कुल मिलाकर यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के ओनर का मानना है कि एमएस धोनी 50 साल की एज में भी यहाँ पर आईपीएल में खेल सकते हो। राजस्थान रॉयल्स की टीम अगर इनको परचेस कर लेती है तो ये राजस्थान के कप्तान बनकर राजस्थान के लिए लॉन्ग टर्म खेल सकते हैं। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, शायद सीएसके की टीम एमएस धोनी को रिटेन कर लेगी, लेकिन पहले एमएस धोनी का प्लान था कि वो 15 करोड़ में रिटेन ना होकर वो ऑक्शन में आकर सस्ती प्राइस में सीएसके की टीम में आना चाहते थे। अगर इस प्लान के अकॉर्डिंग एमएस धोनी ऑक्शन में आते हैं तो कंफर्म रूप से राजस्थान रॉयल्स की टीम 17 करोड़ रुपए तक खर्च करके एमएस धोनी को परचेस करके अपना कप्तान नियुक्त कर सकती है। कुल मिलाकर यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने बता दिया कि एमएस धोनी को यहाँ पर किसी भी कीमत पर और किसी भी प्राइसिंग में वो परचेस करके अपना कप्तान नियुक्त करना चाहती है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर अगर एमएस धोनी ऑक्शन में आते हैं तो राजस्थान रॉयल्स की टीम को इनको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। और आपके अकॉर्डिंग अगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर धोनी ऑक्शन का भाग होते हैं तो आखिर कौन सी टीम कितने करोड़ तक इनको परचेस करेगी, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस तरह की आप क्रिकेट को लेकर छोटी बड़ी खबर मिस ना कर पाए। हमारे लगभग 80% व्यूअर्स वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो आप अधिक से अधिक लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है इंडिया श्रीलंका की सीरीज को लेकर। दरअसल सबसे पहले इंडिया श्रीलंका की सीरीज के शेड्यूल में बदलाव हुआ था और अब इस सीरीज के मुकाबलों की टाइम में बदलाव हो चुका है। दरअसल काफी अधिक गर्मी होने के कारण अब ओडीआई के मुकाबलों को यहाँ पर आधा घंटा लेट कर दिया गया। कुल मिलाकर जो पहले 2:30 बजे मुकाबले शुरू होने वाले थे, अब 3:00 बजे ये मुकाबले शुरू होंगे, और T20 मुकाबले जो 7:30 बजे शुरू होने वाले थे अब ये मुकाबले 8:00 बजे शुरू होंगे। कुल मिलाकर आपको पूरे यूट्यूब पर ये खबर सबसे पहले हमारे चैनल पर पता चली है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें ताकि इस तरह की खबरें आपको सबसे पहले पता चल जाए। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की, तो जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है सुरेश रैना की तरफ से। दरअसल सुरेश रैना ने यहाँ पर विराट कोहली की कप्तानी की आलोचना करते हुए एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। आप इनका कंप्लीट स्टेटमेंट अपनी स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे। कुल मिलाकर इन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मिली हार के बाद और विराट कोहली की कप्तानी में आज तक कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट ना जीतने के बाद इन्होंने विराट कोहली की आईपीएल की कप्तानी की भी आलोचनाएं करी है। इन्होंने बताया कि आईसीसी टूर्नामेंट अभी तक विराट कोहली नहीं जीत पाए, ना ही आईपीएल का खिताब जीत पाए हैं। तो कुल मिलाकर विराट कोहली कप्तानी यहाँ पर रैना को
पसंद नहीं आई है। कुल मिलाकर इनकी तरफ से विराट कोहली को लेकर, विराट कोहली कप्तानी को लेकर हमें कल एक बड़ी आलोचना देखने को मिली। आप कमेंट करके बताइए आप रैना की बात से सहमति रखते हो या फिर नहीं। आपके अकॉर्डिंग आखिर टीम इंडिया विराट की कप्तानी में आखिर T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी या फिर नहीं, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है IPL की नवी टीम को लेकर। दरअसल IPL के पार्ट 2 से पहले अभी 100% कंफर्म हो चुका है कि नवी टीम के रूप में अहमदाबाद की टीम की हमें IPL में एंट्री देखने को मिलेगी। इवन अहमदाबाद की टीम ने तो अब अपने यहाँ पर कप्तान को लेकर कुछ प्लेयर्स के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया, जहाँ पर रविंद्र जाडेजा के साथ ये टीम पिछले एक महीने से कॉन्टेक्ट में। इवन रविंद्र जाडेजा को इस टीम ने 15 करोड़ का प्रपोजल और अपनी टीम की कप्तानी की यहाँ पर कप्तानी सौंपने की बात कही है। कुल मिलाकर ये टीम रविंद्र जाडेजा को परचेस करके अपनी टीम का कप्तान बनाना चाहती है, जहाँ पर रविंद्र जाडेजा को ये टीम 15 करोड़ तक भी देने को तैयार है। जहाँ पर अगर CSK की टीम में जाडेजा रिटेन होते हैं तो यहाँ पर 8 करोड़ में शायद वो रिटेन हो सकते हैं या फिर 5 करोड़ में रिटेन हो सकते हैं, क्योंकि एक टीम केवल 4 ही प्लेयर्स को रिटेन कर पाएगी और जो पहला रिटेन होगा वो 15 करोड़ का होगा, वहाँ पर ये टीम MS धोनी को रिटेन करेगी। दूसरा रिटेन 12.5 करोड़ का होगा, वहाँ पर ये टीम सुरेश रैना को रिटेन करेगी। और तीसरा रिटेन 8 करोड़ का होगा, वहाँ पर ये टीम शायद जाडेजा या फिर फेफ डुप्लेसिस को रिटेन कर ले। और चौथा रिटेन 5 करोड़ का होगा, वहाँ पर शायद ये टीम इस प्लेयर को रिटेन कर ले। तो कुल मिलाकर CSK की टीम में जाडेजा को इतने पैसे नहीं मिलेंगे, इसी वजह से अहमदाबाद की टीम ने यहाँ पर जाडेजा को कप्तानी इसके साथ ही 15 करोड़ रुपए देने का यहाँ पर प्रॉमिस किया। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर यहाँ पर CSK की टीम को छोड़कर अब यहाँ पर जाडेजा अहमदाबाद के कप्तान बनेंगे या फिर नहीं, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। तो जो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है बिग बैश लीग को लेकर। दरअसल कल ये कंफर्म हो चुका है कि दिसंबर से लेकर जनवरी के महीने में हमें बिग बैश लीग का नया एडिशन देखने को मिलेगा। इवन 100% क्राउड के साथ हमें इस साल का बिग बैश लीग दोबारा से देखने को मिलेगा। और इस साल के बिग बैश लीग में तो काफ़ी सारे इंडियन प्लेयर्स भी खेल सकते हैं, जहाँ पर युवराज, हरभजन, युजो पठान जैसे प्लेयर्स के नाम निकल कर सामने आए हैं। और आने वाले कुछ ही दिनों में अब यहाँ पर कुछ और प्लेयर्स के नाम आएंगे। कुल मिलाकर अब हमें इंडियन प्लेयर्स इस साल के बिग बैश लीग में पहली बार खेलते हुए देखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी कंप्लीट लिस्ट आए तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है एक बार फिर से ड्यूएन कोनवे को लेकर। दरअसल ड्यूएन कोनवे ने यहाँ पर पिछले महीने में काफी अच्छा इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रदर्शन किया था। ना सिर्फ पिछले महीने में बल्कि पिछले 4-5 महीनों में इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन पिछले महीने में इनको यहाँ पर ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर वनडे, टेस्ट और ODI तीनों ही फॉर्मेट के परफॉर्मेंस के बेसिस पर पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछले महीने ही ICC प्लेयर ऑफ द मंथ रहे थे। और इसी वजह से अब इनके थोड़े और चांसेस बढ़ जाते हैं कि IPL के पार्ट 2 में अभी रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी भी टीम में आ सकते हैं, जहाँ पर महज 50 लाख में ये यहाँ पर IPL में एंट्री कर सकते हैं। तो 50 लाख में कोई भी टीम इनको परचेस कर सकती है, स्पेशली CSK और हैदराबाद की टीमें तो काफी अधिक इनके पीछे दिखी थी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इस बल्लेबाज को, इस विस्फोटक बल्लेबाज को आखिर कौन सी टीम रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में इंक्लूड करेगी, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है IPL में IPL टीमों के हंड्रेड्स को लेकर और VVS लक्ष्मण की तरफ से। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर सारी IPL टीमों के IPL के हंड्रेड्स देख पा रहे होंगे, आखिर कौन सी टीम ने कितने शतक अब तक IPL में बनाए हैं। जहाँ पर RCB की टीम ने सबसे अधिक IPL में शतक बनाए हैं, यानी RCB के प्लेयर्स ने IPL में सबसे अधिक शतक बनाए हैं, जबकि KKR की तरफ से IPL में केवल एक ही शतक बना है और वो भी IPL इतिहास के पहले मुकाबले में बना था। उस शतक के बाद आज तक KKR की टीम से कोई भी शतक नहीं बन पाया है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग IPL के पार्ट 2 में आखिर कौन सी टीम के प्लेयर सबसे अधिक शतक बनाएंगे। इसके साथ ही बात करते हैं VVS लक्ष्मण की। तो यहाँ पर VVS लक्ष्मण ने अब 18 तारीख को शुरू होने वाले पहले वनडे मुकाबले को लेकर अपनी तरफ से एक प्लेइंग 11 प्रेडिक्ट करी। आप अपनी स्क्रीन पर इनकी प्लेइंग 11 देख पा रहे होंगे। इनके अकॉर्डिंग इस प्लेइंग 11 से टीम इंडिया पहला मुकाबला खेलेगी। आप कमेंट करके बताइए आप इनकी प्लेइंग 11 से एग्री करते हो या फिर नहीं, और आपके अकॉर्डिंग इस प्लेइंग 11 से टीम इंडिया यहाँ पर पहले मुकाबले में श्रीलंका को हरा पाएगी या फिर नहीं, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।